सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ एसटीपीओ रणवीर सिंह द्वारा गठित छापामार टीम ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता में एसटीपीओ श्री सिंह ने बताया कि लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटना में लय थी और कुछ संदिग्धों को बालूमाथ की मसियातू गांव में सक्रिय देखे जाने पर सघन छापेमारी अभियान चलाकर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को दबोच लिया गया। वहीं चोरों की निशानदेही पर उनके घरों के अलावे अन्य अलग अलग जगहों से चोरी के कुल 20 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और आशा भी जताई कि पुलिस की इस कार्रवाई से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में अवश्य कमी आएगी। कहा गिरफ्तार चोरों में मसियातू निवासी मोहम्मद दिलसाद, मोहम्मद रुस्तम और बालू गांव का राजेश उराव है। चोरी की अधिकांश घटनाएं बालूमाथ और चंदवा इलाके में हुई थी जिनका उद्भेदन किया जा रहा है और पूछताछ के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। क्षेत्र में कई बाइकें चोरी हुई थी और कल पुलिस अधीक्षक लातेहार के सूचना के आधार पर पता चला था कि कुछ बाइक चोर मसियातू साइड में देखे गए हैं और उनके पास कुछ बाइकें भी हैं। इसी पर एक पुलिस इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी सुभाष एएसआई और प्रोबेशनर एएसआई के साथ टीम बनाई थी जिसमें उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को पकड़ा जिसमें दिलसाद, रुस्तम और राजेश उराव जो मसियातू के रहने वाले हैं लोकल बालूमाथ क्षेत्र के ही सभी लोग हैं और जितनी भी बाइकें इन्होंने कन्फेशन में स्वीकार किया है कि सभी बाइक चंदवा लातेहार से ही चोरी की हैं और इनकी निशानदेही पर और इनके घर से कुल मिलाकर के 20 बाइक बरामद की हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर हम आपके माध्यम से इसको फ्लैश कर रहे हैं ताकि लोग इनको पहचानें और अपनी बाइक का को रिलीज कराएँ।